राहुल की सदस्यता जाने से गुस्से में प्रियंका। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका ने संभाला मोर्चा। अडानी पर प्रधानमंत्री को देना ही होगा जवाब। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है, जिसकी चिंता पूरी कांग्रेस में दिखाई दे रही है। पार्टी के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। देश भर में कांग्रेस नेता सड़क पर उतर चुके हैं। सत्याग्रह चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट आदमी को बचा रहे हैं। अडानी को भारत और भारत को अडानी बताया जा रहा है, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर कांग्रेस गुस्से में दिखाई दे रही है। बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। राहुल गांधी ने अडानी को पूरे देश में मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने आज देश भर में सत्याग्रह किया। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजघाट पहुंचे। खड़गे का भाषण पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, सत्य की ताकत है, सत्याग्रह का संकल्प है। भाजपा की लूट को बेनकाब करने के लिए लोकतंत्र की रक्षा के दृढ़ निश्चय के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी के साथ है। जय हिंद, जय कांग्रेस, संकल्प सत्याग्रह, राजघाट। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को अब चर्चा में ला दिया है। अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए पूरे देश की साख दांव पर क्यों लगाई जा रही है, और क्या राहुल ने अडानी पर सवाल उठाए इसलिए उनकी संसद सदस्यता चली गई। आखिर किसी बंद पड़े केस की सुनवाई अचानक इतनी तेजी से कैसे हो गई? मामला कानूनी है, इसलिए कांग्रेस या कानूनी जानकारी इसे समझने में जुट गए हैं। तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी अब मोर्चे पर उतर आई हैं। अभी तक पीएम मोदी पर सीधा निशाना बनाने से प्रियंका गांधी बचती रही हैं। सिर्फ चुनावी रैलियों में ही प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अडानी के खिलाफ तो बहुत ही कम बोलती हैं, लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से प्रियंका गांधी के तेवर बदल चुके हैं। वो खुलकर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी इस सवाल से बचना चाहती कि पूरी संसद म्यूट कर दी। प्रधानमंत्री जी खुद म्यूट हो गए। अब राहुल को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन गौतम अडानी के शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने राहुल के उस बयान को भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है। वो डरते हैं अडानी पर संसद में मेरे अगले भाषण से। सीधा सवाल है, शेल कंपनियों ने अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? ये सारा नाटक इसी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि भाजपा इस देश से विपक्ष और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसलिए लगातार विपक्ष के लोगों की आवाज़ पर हमला कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मीसा भारती को एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र को ही निशाने पर ले लिया गया है। दरअसल इस समय लालू परिवार पर भी ईडी और सीबीआई की जाँच तेज हो गई है। शनिवार को तेजस्वी यादव से सीबीआई ने 6 घंटे के ज़्यादा समय तक पूछताछ की, तो मीसा भारती से करीब 5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। लालू और राबड़ी देवी से भी पूछताछ हो चुकी है। उनके परिवार के दूसरे सदस्यों घरों पर भी छापेमारी कर चुकी है ईडी। इसे लेकर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वो खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगी, और जो लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू कर दी है उसे अंजाम तक पहुंचाएंगी। और प्रियंका के तेवर बता रहे हैं कि वो अब पीछे नहीं हटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।